तेजस्वी के यात्रा पे तंज, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा लालू जी के राज्य में क्या था, अब क्या है देखने के लिए निकलना चाहिए। मुंगेर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पहुंचे अपने गृह जिला मुंगेर के तारापुर विधानसभा। उनके साथ तारापुर विधायक राजीव चौधरी सहित मुंगेर डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने माता पूर्व विधायक स्वर्गीय पार्वती देवी की पुण्यतिथि पे आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। फिर तारापुर में चल रहे कई विकास के कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि तारापुर के विकास को लेवे कई योजना को वे धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं, चाहे बाईपास हो, कॉलेज या का जीर्णोद्धार हो, स्टेडियम का निर्माण हो, सभी की समीक्षा की गई है। साथ ही तेजस्वी के बिहार दौरे को उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दौरे पर निकलना चाहिए कि बिहार में कितना बदल गया है यह देखना चाहिए, कितने रोड, स्कूल, कॉलेज बन गए हैं गिनती करनी चाहिए, लालू जी के राज्य में क्या था और आज क्या है देखना चाहिए। कार्यक्रम के बाद वह पुनः पटना के लिए निकल गए। का मेरे लिए दुखद समय रहा है, उसी दौरान तारापुर आया हूँ, तारापुर के विकास कार्यों को भी समीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ तारापुर के बाईपास के चीज़ों को इंडिया स्थान है वहाँ पर्यटन के कैसे स्थान बनाएंगे, और एक स्टेडियम बनाना है, कॉलेज का जीर्णोद्धार करना है, सब चीज़ों को मैंने समीक्षा किया है, उसको ठीक करना है, सुरक्षित यात्रा पे निकल रहे हैं डीएम यादव बिहार की यात्रा पे निकले हैं, निकले उसमें कौन रोकता है, देखना चाहिए ना कि कितना बिहार बदल गया, रोड, स्कूल, कॉलेज कितने बने हैं, इसकी गिनती करनी चाहिए, और लालू जी के राज में क्या था और आज क्या है फर्क जरूर देखना चाहिए। सर, आपके कार्यक्रम में आज थोड़ा रूट चार्ट को लेकर जो है दिक्कत देखने को मिला। तेजस्वी के यात्रा पे तंज, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा लालू जी के राज्य में क्या था, अब क्या है देखने के लिए निकलना चाहिए। मुंगेर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पहुंचे अपने गृह जिला मुंगेर के तारापुर विधानसभा। उनके साथ तारापुर विधायक राजीव चौधरी सहित मुंगेर डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने माता पूर्व विधायक स्वर्गीय पार्वती देवी की पुण्यतिथि पे आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। फिर तारापुर में चल रहे कई विकास के कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि तारापुर के विकास को लेवे कई योजना को वे धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं, चाहे बाईपास हो, कॉलेज या का जीर्णोद्धार हो, स्टेडियम का निर्माण हो, सभी की समीक्षा की गई है। साथ ही तेजस्वी के बिहार दौरे को उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दौरे पर निकलना चाहिए कि बिहार में कितना बदल गया है यह देखना चाहिए, कितने रोड, स्कूल, कॉलेज बन गए हैं गिनती करनी चाहिए, लालू जी के राज्य में क्या था और आज क्या है देखना चाहिए। कार्यक्रम के बाद वह पुनः पटना के लिए निकल गए। वहाँ का जीना मेरे लिए दुखद समय रहा है, उसी दौरान तारापुर आया हूँ, तारापुर के विकास कार्यों को भी समीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ तारापुर के बाईपास के चीज़ों को इंडिया स्थान है वहाँ पर्यटन के कैसे स्थान बनाएंगे, और एक स्टेडियम बनाना है, कॉलेज का जीर्णोद्धार करना है, सब चीज़ों को मैंने समीक्षा किया है, उसको ठीक करना है, सुरक्षित यात्रा पे निकल रहे हैं डीएम यादव बिहार की यात्रा पे निकले हैं, निकले उसमें कौन रोकता है, देखना चाहिए ना कि कितना बिहार बदल गया, रोड, स्कूल, कॉलेज कितने बने हैं, इसकी गिनती करनी चाहिए, और लालू जी के राज में क्या था और आज क्या है फर्क जरूर देखना चाहिए। सर, आपके कार्यक्रम में आज थोड़ा रूट चार्ट को लेकर जो है दिक्कत देखने को मिला।